राम राम जी, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और वेलकम करती हूँ आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल अलावत फैमिली व्लॉग्स में। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ बाजरे की रोटी और चने की चटनी। तो चने की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ अपनी बगीची से कुछ सामान लेने आई हूँ, जैसे कि चना तोड़ूंगी मैं यहाँ से और हरा धनिया तोड़ूंगी। तो तब तक मैं ये तोड़ती हूँ, आप लोग देखिए और फिर उसके बाद हम बाद में मिलते हैं। ये मैं बनाने लग रही हूँ चने की चटनी। और गांव में मिक्सी का बहुत कम यूज़ होता है, गांव में कुंडी या सिलबट्टे का यूज़ होता है। तो मैं ये कुंडी और सोटा लेकर के चटनी बना रही हूँ, इसको बोलते हैं सोटा और ये है कुंडी। तो मैंने अभी इसमें कुंडी में पहले छील करके लहसुन डाला हुआ है और उसके बाद लहसुन के साथ साथ मैंने इसमें धनिया, हरा धनिया धो करके और चना भी धो करके इसमें डाला हुआ है और उसको मैं कूट रही हूँ अच्छे से, इसका अच्छे से मिक्सचर बना लूँगी। और इसको ये जब ये देखो ये कूटने लग रहा है और ये बिल्कुल कूट के बारीक बारीक हो जाएगा ना, पिसा पिसा। मैंने इसमें हरी मिर्च भी ऐड कर रखी है, मैं आपको बताना भूल गई थी। और अभी मैं इसमें नमक डालूंगी जितनी मेरे को ज़रूरत है उतनी, और फिर उसके बाद मैं इसमें डालूंगी लस्सी सीत और फिर हमारी बन जाएगी गांव में बनने वाली देसी चने की चटनी। और इसका स्वाद बहुत ही अलग होता है, बहुत बेहतरीन और बहुत ही स्वादिष्ट बनती है ये चटनी। हमारा गांव का देसी खाना ही सारा बहुत स्वादिष्ट होता है और बहुत ही हमारे लिए सेहत के लिए अच्छा भी होता है। अब हो गई है मेरी चने की चटनी तैयार और अब मैं इसको निकाल लूँगी एक कटोरी में और उसके बाद करूँगी मैं बाजरे की रोटियों की तैयारी। देखिए आप लोग भी कितना अच्छा रंग आया है, इस तरीके से बनती है चने की चटनी। अभी मैं लगा रही हूँ बाजरे का आटा और बाजरे का आटा इसमें मैंने मिक्स कर लिया है नमक और ये लिया हुआ है मैंने गुनगुना पानी, क्योंकि सर्दी का मौसम है ना तो इसलिए गुनगुना पानी लिया हुआ है निवाया। और ये बाजरे का आटा मैं एक साथ नहीं लगाऊंगी क्योंकि इसको साथ साथ में लगाते रहना पड़ता है, इसको साथ साथ लगाते रहो और रोटियां बनाते रहो, इसको एक बार में ही नहीं बना के रखा जाता। Thank you.
और सभी को खिलाने के बाद अभी बारी आ गई है मेरी, और मैंने भी अपने लिए खाना डाल लिया है और अभी मैं खाना खाऊंगी। तो आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने वीडियो को इतने प्यार से देखा।